पीसी कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे रिव्यूज बाहर मिलते हैं मार्केट में या फिर यूट्यूब में या फिर लोगों से आप बात करने से भी पता करेंगे तो आपको 100,000 ओपिनियंस आपको दे देंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके रिव्यूज यहाँ मिल जाएंगे, उसके रिव्यूज वहाँ मिल जाएंगे। आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाइए, किसी भी ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर पर जाइए या फिर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो भी देख लीजिए तो आपको डिटेल रिव्यूज बहुत सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में मिल जाते हैं। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जिसके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है मार्केट में अवेलेबल और इसके बारे में कोई ज्यादा बात करता भी नहीं है, हमें यह नहीं पता कि इसके लिए इतना वीडियोस या अवेयरनेस क्यों क्रिएट नहीं किया गया है, पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो ये है कि आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो रैम है, आपका जो सीपीयू है, आपके जो जीपीयू है, ग्राफिक्स कार्ड, इन सबको पावर देता कौन है? पावर सप्लाई। अगर वही गड़बड़ हुई, अगर वो ही अपना काम ठीक से हैंडल नहीं कर पाया तब आप क्या करेंगे? आपके बहुत ही कॉस्टली कंपोनेंट्स डैमेज परमानेंटली हो सकते हैं और आपको बहुत बड़े खर्चे आ सकते हैं अगर आपकी पावर सप्लाई यूनिट सही नहीं है। पर आपको पता कैसे चले कि कौन सी पावर सप्लाई यूनिट आपको लेनी चाहिए? वेल, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा, चलिए देखते हैं। आज हम बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे जार्गन्स है वो इसी वीडियो में अनवील करेंगे। आज हम इसकी डिटेल बात करेंगे, अंत तक जरूर बने रहिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, जरूर देखिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और अपने पैसे बचाइए, सेंसिबल इन्वेस्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि 4090 जो RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया की, उसकी रिलीज को लेकर बहुत धूम मची हुई थी। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स फीड्स आ रहे थे और हर जगह पे इसकी एक बहुत शोर मची हुई थी जो कि अचानक से दब गई। क्या हुआ? अचानक से ये पूरी जो 4090 वाली क्रेज है, नए जनरेशन के जो जीपीयूज रिलीज हुए, इसको पूरा क्यों दबा दिया गया? क्योंकि इस पे एक इशू आ रही थी, वो है कि इसके जो कनेक्टर्स हैं वो बर्न हो रहे थे, उसके वजह से इसका मार्केटिंग में, इसके इमेज में एक डेंट पड़ रहा था, जिसके लिए पूरा न्यूज ही नीचे चल रहा है। दूसरा है, आपने जर्मनी में AMD के 6800 और 6900 सीरीज के जो GPUs है, जो ग्राफिक्स कार्ड है, उसके जो GPU प्रोसेसर से वो बर्न हो रहे थे, ये न्यूज भी आपने सुना होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो से आपको शायद अब तक पता लग गया होगा, आप इसको जाके पढ़ भी सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। वेल, ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं पर हम इसके डीप एनालिसिस नहीं करते हैं, हम इसके अंत तक नहीं जाते, हम इसके एंड तक नहीं जाते, हम ये नहीं समझते हैं कि प्रॉब्लम ग्राफिक्स कार्ड की है या फिर कहीं और है। वेल, हमें आज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे इससे पहले कि हम अपना पावर सप्लाई खरीदे। एक पावर सप्लाई, जैसे हमारे ब्रेन हमारे बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है, वैसे ही एक पावर सप्लाई यूनिट पावर करता है। एक सीपीयू डेड बॉडी है, उसके जीपीयू, उसके जो प्रोसेसर है, उसके जो मदरबोर्ड है, उसके जो रैम है, कोई काम का नहीं है। RGB वगैरह तो जस्ट दिखाने के लिए, चीजों को बेचने के लिए आजकल हर चीज में RGB लगा दिया जाता है, बट ये जो सारी चीज को पावर देता है, वो पावर सप्लाई यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे अब जो कि आप इन्फॉर्म्ड रह के खरीद सकते हैं, अपनी जो परचेज है वो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। जो मैं टर्म्स बोलूंगा वो बड़े सिंपल रहेंगे, इस टर्म को फॉलो करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ही इनहेरेंट मीनिंग वाली टर्म्स है जिसकी मीनिंग आपको टर्म्स की जो फुल डेफिनेशन है वो मैं जैसे ही बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। सो आप अगर पावर सप्लाई यूनिट या SMPS खरीदने जा रहे हैं तो कौन कौन से टर्म्स आपको जानने चाहिए? पहला टर्म है OVP। OVP का मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये है या नहीं। दूसरा टर्म है UVP, UVP मतलब अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तीसरा है OCP, ओवर करंट प्रोटेक्शन। चौथा है OPP, ओवर पावर प्रोटेक्शन। पांचवा है SCP, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और OTP, जो OTP फोन पे आती है वो OTP नहीं, ये है ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, यानी कि अगर ओवर हीट होती है, ओवर टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या अपने प्रोसेस को शट डाउन कर सकता है कि नहीं। ये सारे टर्म्स कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है। और एक टर्म है एक्टिव PFC, एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन, मतलब जो वॉल है, जो वॉल यूनिट है आपकी, जहां से पावर ली जाती है SMPS को, फिर SMPS उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है CPU में,
वो फैक्टर को करेक्ट करता है कि नहीं, पावर फैक्टर करेक्शन कहते हैं। वेल, ये कुछ टर्म्स आपको कहाँ मिलेंगे? आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाइए, एक SMPS या फिर एक पावर सप्लाई यूनिट खरीदने जाइए, आपको ये टर्म्स वहाँ लिस्टेड नहीं दिखेंगे। वहाँ आपको कुछ जेनरिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा उनके डेटा शीट में, या फिर अगर आप कोई बाहर वाले लोकल स्टोर्स में भी जाते हैं, कोई कंप्यूटर शॉप्स में भी जाते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। इसे करने से पहले आपको पता करना है कि वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स कौन हैं पावर सप्लाई मार्केट में। साल दर साल सिर्फ पावर सप्लाई, सिर्फ अच्छे पावर सप्लाई बनाते कौन है। किसी भी कंपनी को जाके आज आप देखेंगे तो वो पावर सप्लाई यूनिट्स बना ही रहे हैं जो अगर कंप्यूटर के अदर पेरिफेरल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कोई अगर कूलिंग पे काम कर रहा है वो भी पावर सप्लाई बना रहा है, कोई RGB का एक्सपर्ट है वो भी पावर सप्लाई बना रहा है, कोई एक मदरबोर्ड बना रहा है उसका भी अपना पावर सप्लाई है। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ये इस मार्केट सेगमेंट या फिर प्रोडक्ट सेगमेंट के लीडर्स हैं? जरूरी नहीं है। वेल, मैं आपको कुछ नाम लेता हूं जो कि पावर सप्लाई मार्केट में बहुत ही फेमस प्लेयर्स है। जैसे पहला हो गया सिल्वरस्टोन, दूसरा हो गया कॉर्सर, तीसरा हो गया EVGA, और सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे जो है जिसका नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा, वो है Seasonic। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप इनमें से दो प्लेयर जैसे सिल्वरस्टोन हो गए या Seasonic हो गया या फिर EVGA भी हो गया, कॉर्सर भी हो गया, इनमें से किसी का भी अगर आप पावर सप्लाई यूनिट खरीदते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही टाइम टेस्टेड है, अनस्ट्रेस टेस्टेड है, ये ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला सवाल आपको अगर ये आता है कि कौन सा SMPS का पावर या फिर वॉटेज मेरे PC के लिए सही है, या फिर आप अगर एक PC बिल्ड सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में है कि मैं एक PC बिल्ड करूंगा, तो वो कौन सी वॉटेज की पावर सप्लाई मेरे लिए ऑप्टिमम है? क्या मैं 850 का ले लूँ या 1200 ले लूँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा पावर सप्लाई दे रहा है, ये सही है, या फिर मेरा 650 से काम चल जाएगा? वेल, इसको जानने के लिए हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पेस्ट कर रहे हैं, आप उस पे जाके इसकी डिटेल्स ज़रूर देखिए। ये आपको PC बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सही रिकमेंडेशंस देगी, ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। ओवर स्पेंड मत कीजिए इस चीज़ पे, बट अंडर स्पेंड भी मत कीजिए। आपकी कॉन्फ़िगरेशन जैसी हैवी होगी, पावर का रिक्वायरमेंट वैसा ज़्यादा होगा, उसी हिसाब से आपकी SMPS होनी चाहिए। SMPS बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी लोग इसको नहीं समझते हैं, बट ये समझना ज़रूरी है कि जो चीज़ मेरे कॉस्टली कंपोनेंट्स को पावर दे रही है उसी को मैं अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, उसी पे अगर उल्टा सीधा कोई भी चीज़ लगा दूँ क्योंकि वो दिखता नहीं है, कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं है, मैं कुछ भी लगा दिया, बहुत डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए। अभी आते हैं अगला पॉइंट पे, एफिशिएंसी क्या होती है? आप अक्सर सुनते होंगे कि 80% गोल्ड, 80 ब्रॉन्ज, 80 प्लैटिनम, ये 80% एफिशिएंसी क्या चीज है? आप ये किसी बॉक्स पे भी अगर आप देखेंगे, कोई भी SMPS का बॉक्स खरीदने जाएंगे उस पे भी ये लिखा रहेगा। वेल, ये एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चले आपकी जो वॉल यूनिट है या फिर आपका जो बोर्ड है, पावर बोर्ड है, वहां पे अगर 100 वॉट पावर आती है तो 100 वॉट पावर को अगर AC से DC कन्वर्ट करते हैं, वो जो हीट वेस्टेज होता है उस प्रोसेस का जो हीट वेस्टेज होता है उसमें 20% लॉस होता है। तो ऑप्टिमम पावर जो आपकी SMPS अल्टीमेटली आपके कंपोनेंट्स को, आपके PC के कंपोनेंट्स को डिलीवर कर पाएगी वो 80% ही है। दैट इज़ द रीज़न वाई ये एफिशिएंसी को 80% लिखा जाता है और ये टेस्ट करके लिखा जाता है। बट आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि जो कंपोनेंट है, जो उस SMPS का बिल्ड कंपोनेंट है, उसकी टेस्ट नहीं है ये सिर्फ एफिशिएंसी की टेस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर के कंपोनेंट्स का भी इंटरनल टेस्टिंग होता है, ऐसा नहीं है, सिर्फ उसके एफिशिएंसी आउटपुट की टेस्ट होती है। और एक फैक्टर है यहाँ पे वारंटी। वारंटी कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट के वारंटी के बेसिस पे मुझे ये परचेज करनी चाहिए? जैसे हम नॉर्मली कोई प्रोडक्ट उठाते हैं तो देखते हैं उसके 10 साल वारंटी है, नाम नहीं सुना 10 साल वारंटी है, पर क्या मुझे वो उठा लेना चाहिए? उसी के जगह अगर आप देखते हैं EVGA 5 साल दे रही है, 7 साल दे रही है, या फिर अगर आप देखेंगे Seasonic 3 दे रही है, Silverstone 3 दे रही है, 5 दे रही है, तो आपको क्या लेना चाहिए? वो अननोन ब्रांड या फिर ये नोन ब्रांड जो कि जाना जाता है या माना जाता है SMPS इंडस्ट्री में टॉप प्लेयर के हिसाब से। इन्होंने अगर 5 साल लिखा है, अगर ये सिर्फ इसी सेक्टर पे, इसी निश पे काम करते हैं, उसके बाद भी इन्होंने लिखा है कि ये 5 साल की वारंटी मैं देता हूँ, इन्होंने टाइम टेस्ट करके ही दिया है। इसके जगह पे अननोन ब्रांड अगर 10 साल भी देता है, प्रेफर करना, प्रेफरेबली पहला ऑप्शन उसको रखना, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। हाँ, EVGA दे रहा है 10 साल, ले लीजिए,
UVGA की बहुत सारी वेरिएंट्स आती है, सेमी मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, मॉड्यूलर आते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर के रेंजेस में जाएंगे, जैसे आप स्पेंड अपना बढ़ाएंगे, आप अगर देखेंगे उनके वैसे वैसे वारंटी या फिर उनके परफॉर्मेंस भी या फिर उनके फीचर्स भी वैसे चेंज होते हैं, तो उस हिसाब से एक प्रोडक्ट का डिसीशन भी वैसे आपका चेंज होना चाहिए। पर एक अननोन ब्रांड अगर ज़्यादा वारंटी दे रहा है तो मैं उसे ले लूँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भी होगा 10 साल तक वो देख लेगा, नहीं, ये खिलवाड़ करने का जगह नहीं है। आपके पीसी कंपोनेंट्स का सवाल है, यहाँ पे आप ऐसे डिसीशंस नहीं ले सकते, लेना नहीं चाहिए, ये मेरी ओपिनियन है। आप इस पे जरूर सोच विचार कर सकते हैं। वेल, आपको लग रहा हो कि इतने सारे टेस्ट, इतने सारे टर्म्स, इतने सारे फीचर्स मैं कंपेयर करके उसके बाद खरीदूं, वो भी SMPS, तो बहुत मेहनत का काम हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सारे टेस्ट, इन सारे चीज़ों को, इन सारे स्पेसिफिकेशंस को एक कंपनी टेस्ट करती है आपके लिए, वो है इंटेल। इसकी लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप जाके बहुत ईजीली इसे सर्च कर सके, इसके फीचर्स को डिटेल में स्टडी कर सके। इसकी एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इंटेल खुद देता है, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो कंपोनेंट्स आते हैं वो उसकी गारंटी ले सकते हैं। अगर कंपनी उसके बाद कोई पार्ट्स में हेरफेर करती है, चेंज कर देती है, तो वो भी उनका क्या गलती है। उनने जब टेस्ट किया था तब जो भी स्पेसिफिकेशन या कॉन्फ़िगरेशन थी उसके हिसाब से उनका फाइंडिंग्स उन्होंने दिया। पर ये सारी चीज़ें रिलीजियसली वो फॉलो करते हैं, कवर करते हैं अवेयरनेस के लिए। ये आपका भी जानना बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर इस लिंक को चेक कीजिए। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि इससे आप कुछ वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन वीडियोज़ को, शायद दूसरे लोगों को भी मदद हो जाए इस वीडियो से। आपसे बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर।